हेलो एंड वेलकम बैक ब्यूटीफुल सोल्स। तो अब हम देखते हैं हमारे जेमिनाई के लिए जनवरी 2024 के लिए क्या गाइडेंस है, क्या ब्लेसिंग्स हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे जेमिनाई के लिए। तो हम देखते हैं हमारे जनवरी में जेमिनाई के लिए करियर में क्या है। जेमिनाई, आपको जनवरी में थोड़ी अपनी होप जिंदा रखने की ज़रूरत है। आपके पास एक होप है। चीज़ें जितनी आपको बुरी लग रही होंगी इस मंथ में, चीज़ें उतनी बुरी हैं नहीं। ये आई थिंक आपके माइंड में सारा कुछ खेल चल रहा है। आप खुद से ही चीज़ें सोच रहे हैं, उसकी वजह से आप लोनली फील कर रहे होंगे, डिप्रेस फील कर रहे होंगे। तो आपको उस होप को, उस पॉजिटिविटी को जिंदा रखना है कि चीज़ें आगे बेहतर होंगी। आप बहुत ज़्यादा सोचने में चले गए हैं कि ये क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा। सेटबैक्स लाइफ में सबको आते हैं, पर आपके पास होप है। चीज़ें उतनी बुरी नहीं हैं जितनी आप सोच रहे हैं। तो अपने करियर में आपको होप को ज़िंदा रखने की ज़रूरत है। आगे आपके साथ नेक्स्ट आने वाले मंथ्स में अच्छा होगा। आपको वो होप लेकर चलनी है, पर अभी आपको अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। ओवर इंडल्जेंस नहीं करनी किसी भी चीज़ को लेके, ओवर थिंकिंग में नहीं जाना। सबसे पहले तो चीज़ें ठीक होंगी, तो आपको ये सोचते हुए आगे बढ़ना है। प्लीज़ अपनी नींद को, अपने आराम को, अपनी बॉडी को पेन में नहीं डालना, और स्पेशली दिमाग को आपको अपने ओवर थिंकिंग में नहीं डालना। तो हम देखते हैं हमारे जेमिनाई की हेल्थ कैसी है 2024 जनवरी में। जेमिनाई, आपको एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। छोटा मोटा वेकेशन लीजिए, आसपास कहीं वेकेशन पे जाइए, ट्रैवल करें, थोड़ा नेचर से कनेक्ट होने की कोशिश करें। आप बहुत ज़्यादा अपने काम की वजह से, जैसे कि मैंने कहा, ओवर इंडल्जेंस है आपकी काम में, तो उसे थोड़ा ब्रेक लें। हेल्थ पे बहुत सही, मतलब हेल्थ बहुत अच्छी होगी आपकी। यहाँ अपने जो एक क्यूबिकल से या अपने रोज़ की डेली एनवायरनमेंट से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। और जैसे कि मैंने कहा, होप नहीं छोड़नी, तो वही चीज़ आपकी हेल्थ के लिए भी अप्लाई होती है कि आपको होप नहीं छोड़नी। एक वेकेशन लीजिए, ब्रेक लीजिए हेल्थ के लिए, और बहुत सारा पानी पीजिए। ट्रैवल करना बहुत मस्त है। या आप ट्रैवल करेंगे या आपको करने की ज़रूरत है जनवरी मंथ में, ताकि आपका जो काम का जो एक पैनिक मूड क्रिएट हुआ है, उससे आपको थोड़ी राहत। अदरवाइज हेल्थ उतनी आपकी ख़राब नहीं है, बस आपको थोड़ा नेचर से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। एक छोटा ट्रैवल लेने के लिए ज़रूरत है, मस्त है। ट्रैवल ज़रूर करिए, चाहे नहीं प्लान बन रहा तो भी बनाइए। एक सैटरडे संडे एक वीकेंड का प्लान बना। तो ये थी हमारी हेल्थ से। अब हम देखते हैं हमारे लव रिलेशनशिप के लिए क्या है हमारे जेमिनाई के लिए। वाओ, बहुत अबंडेंट हैं आप जनवरी में। आपको सब तरफ से प्यार मिलेगा, आपको के बड़ों का प्यार भी मिलेगा यहाँ पे। बहुत अच्छा आपका टाइम है जनवरी। हो सकता है आप कोई पेट लाएं, या आपके पास जो पेट हों आप उनसे बहुत अफेक्शन आपको रिसीव हो, या एक और आप पेट लेने का सोच रहे हैं। उस फैमिली को आप ग्रो करने के लिए सोच रहे हैं, यहाँ पे ग्रो करने का सोच रहे हैं, तो ये भी हो सकता है। शायद कोई पेट आए, उससे आपको और अबंडेंट फील हो अपनी लाइफ में। अदरवाइज आपका रिश्तों में बहुत अच्छा है जनवरी मंथ। कोई गेट टुगेदर हो सकता है फैमिली में, जिसमें आपके बड़े भी हों, आपसे छोटे भी हों, सारी पूरी फैमिली एक साथ हो, तो वो एक अच्छी बॉन्डिंग वाली फीलिंग आएगी आपको जनवरी मंथ में अपने रिश्तों को लेकर। शादी हो सकती है जनवरी में, कोई शादी हो तो आप लोग वहाँ सब इकट्ठे होंगे। और लव, अगर मैं रोमांटिक रिलेशन की बात करूँ, तो एक रोमांटिक रिलेशन फैमिली में कन्वर्ट होने का भी हो सकता है, कि आपका एक रोमांटिक रिलेशन हो तो आप शादी के बारे में आगे बात करेंगे, सोचेंगे, तो वो फिर से आपकी एक फैमिली बॉन्डिंग या यूनियन का टाइम आ जाएगा। जनवरी बहुत अच्छा है यूनियन के लिए, परफेक्ट टाइम है आपका जेमिनाई। तो अब हम देखते हैं हमारे जेमिनाई के लिए मनी से क्या है। जेमिनाई, आपके पास सारे रिसोर्सेज मौजूद हैं अपने पैसे को बढ़ाने के लिए। सब रॉ मटेरियल है आपके पास अपने काम से रिलेटेड। आपको सिर्फ उनको एक शेप देनी है उन रिसोर्सेज से, जो भी रॉ मटेरियल आपके पास है। आपके पास आइडिया भी है, मनी भी है,
उससे और मनी बन सकती है आपकी जनवरी मंथ में। जब तक आपने एक रॉ मटेरियल सब इकट्ठा किया था, वो सारा रॉ मटेरियल को एक शेप देने का, एक पॉट बनाने का टाइम आ गया, एक आकार देने का टाइम आ गया, जिससे आपको मनी रिसीव होगी। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके पास, बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे आइडियाज़ हैं मनी के लिए। तो ये आपका बहुत अच्छा टाइम है मनी का, आपको होप नहीं छोड़नी है। जैसे कि मैंने पहले कहा 9 और 16 से कि छोड़ेंगे चीज़ें मैनिफेस्ट कर पाएंगे, क्योंकि सब कुछ है आपके पास, आपके अंदर वो कैपेबिलिटी भी है और आपके आसपास वो माहौल भी है रिसोर्सेज को लेकर वो क्रिएट करने का। थैंक यू, ये थे हमारे जेमिनाई की जनवरी 2024 की गाइडेंस। थैंक यू।